गिविंग सच वंडरफुल टेस्टिमोनियल्स, मैं तो क्या कहूंगी, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर आई एम एक्चुअली बिकॉज मैं कल के फील्ड में क्योंकि हूँ तो मैं बहुत कोरिलेट करती हूँ, एंड बिकॉज आई एम एन एनेस्थेटिस्ट एंड आई बीन शेयरिंग विद मेनी पीपल की आई गेट ओनली 2 मिनट्स टू एक्सप्लोर अ पर्सन बिफोर पुटिंग इन टू स्लीप हिम और हर. तो जो मैक्सिमम लाइक अ पेंडेमिक इट इज सो मच ऑफ एंग्जाइटी फियर फियर फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. अब मेरा क्या होगा, आई नो होस्ट ठीक है हम भी लेट शायद बहुत से लोग ऑपरेशन थिएटर के नाम से डरेंगे, लेकिन फिर भी विद माय एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स ऑफ माय कैरियर वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है. नो अमाउंट ऑफ एश्योरेंस यू नो कीप्स देम इन अ ग्राउंडेड स्टेट, ऑन द कॉन्ट्रेरी. और जब उन पेशेंट्स को मैं जगाती हूँ बेहोशी के बाद उनको उतना ही पेन हो रहा होता है, उनको कितने भी पेन किलर सेम ग्रुप ऑफ पेन किलर्स दिए जाते हैं वो तो मैं कंडक्ट नहीं करती स्टडी. आई वॉन्ट टू डू आई शुड डू दैट बट आई डोंट डू इट बिकॉज कौन करे क्वान्टिफाई करे. वही जो इक्का दुक्का पेशेंट कभी आता है मैम जो कि बहुत ट्रस्ट रखता है और जो बिल्कुल सरेंडर और इन चीजों में विश्वास रखता है ना, रिमार्केबल रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी फ्रॉम द एनेस्थीसिया. आई मीन आई फील सो सो मच हैप्पी एंड कंटेंटेड दैट इस बात को शायद मेरे कलीग्स भी नहीं जानना चाहेंगे पर मैं उसको क्वांटिफाई बहुत करती हूँ, इंक्लूडिंग IVF पे जो धीमे धीमे मैं शेयर करूंगी. मैं आज ही सोची थी कि चाहती ही नहीं है, यू नो देयर इज नो डिजायर टू बेयर अ बेबी सो दे आर एग्जैक्टली हैविंग. exactly. एग्जैक्टली आई एम क्वांटिफाइंग इट एवरी सेकेंड एंड आई थिंक एंड पीपल एंड द क्लिनिशियंस आर रियली कि क्या करें कैसे रिजल्ट दें. इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट क्योंकि वो जड़ में ही गलती हो गई है कहीं ना कहीं. सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस जो आप कह रही है ना मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैं बहुत आई मीन लॉजिकल क्लिनिशियन हूँ. ब्यूटिफुल मैम ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन. देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो IVF आज की डेट में आप देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल्स आर गोइंग इन फॉर IVF। नेचुरली वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा। इवन आई गेट एन नंबर ऑफ क्वेरीज डे टू डे रीडिंग्स में, बहुत सारे यही क्वेश्चंस होते हैं। और आप मानेंगे, जो सक्सेस मिला है विदाउट IVF नेचुरल कंसेप्शन का, वो पता है कैसे मिला है? वो मिला है जस्ट टू ब्रेक दैट बैरियर। और जब उन्होंने आर्टिफिशियली किसी चीज को एक्सेप्ट करके लव शो किया, वेदर इट वॉज अ पेट, वेदर इट वॉज अ प्लांट, वेदर इट वॉज अ डिवाइन सोर्स फॉर्म, तो उन्होंने जिस रूप में स्वीकार किया उसमें खुला वो। आप सो मच मानेंगे सो मैम कि आफ्टर एन एडॉप्शन देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स दैट दे बेयर अ नॉर्मल बेबी इवन यस, दैट दे आर दैट्स इन कंटिन्यूएशन विद योर एग्जाम्पल वेरी ट्रू. आप ये देखिए, मतलब मेरे साथ तो ये लाइव केस हुआ है। लाइक बिफोर कमिंग इन टू ऑकल्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड, शी हैड बीन मैरिड फॉर 6 ईयर्स और नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रहा था। एंड दैट वॉज द टाइम आई जस्ट हैपन टू विजिट वृंदावन। तो वहां से मैं गोपाल जी का एक छोटा सा स्वरूप लाई थी उनके लिए, और मैंने उन्हें बस ये बोला कि आप इन्हें तैयार करो एक बच्चे की तरह, बिल्कुल आप इनकी सेवा करो, एंड नेचुरली यू आर गोइंग टू कंसीव। और आप मानेंगे कि उन्होंने कंसीव कर लिया विद इन 2 to 3 months। सो व्हाट वाज द बैरियर? द बैरियर वाज उनका इमोशन, क्योंकि करियर ओरिएंटेड जो लेडीज हो जाती हैं वहां पे आके उनका एक इमोशन, एक फेयर रहता है बेसिकली। ये फेयर क्या है कि करियर में ब्रेक आ जाएगा, ये फेयर ये रहता है कि हाउ दे आर गोइंग टू कोप अप फाइनेंशियली। और आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं कि ये हम डिसाइड नहीं करते, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जन्मों पहले साइन हो चुके होते हैं, एंड इट हैज बीन प्रोवन दैट अ सोल ऑलवेज चूजेस द बायोलॉजिकल मदर। फादर इज नेवर चोजन बाय अ सोल, ओनली द मदर इज चोजन। तो जब आप इतनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर आपने स्त्री का जन्म लिया है, तो ये आपका दायित्व है कि आप उसे ग्रेसफुली निभाएं। आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, हर कोई अपना किस्मत लेकर आता है। देखिए, ईश्वर ने भी पूरा नेचर ऐसे ही बनाया है ना कि जब दांत नहीं होते तो बच्चा
दूध पे टिकता है, दांत आ जाते हैं तो आहार लेना शुरू करता है, तो ये तो पूरा नेचर है, सो वी कांट बी गोइंग अगेंस्ट नेचर ना। Thank you.